हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे KDD, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। सो क्या होता है KDD? जैसे ही हम KDD देखते हैं, हमारे सामने एक इतना खतरनाक अजीब सा डायग्राम आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके अंदर की जो जो मेन टर्म्स है वो एक्सप्लेन करूँगा और इसको बहुत आसान बनाऊँगा। तो सबसे पहले KDD, नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डेटा, का मतलब होता है कि भाई डेटा निकालना, बहुत सारे मीन्स बहुत सारा कचरे जैसा आज के टाइम डेटा है, समझ रहे हो? कचरे जैसा डेटा, मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही है, कोई चीज़ें सामान खरीद रहा है, ये हो रहा है। अभी आप फेसबुक पर कितने पोस्ट करते हो, समझ रहे हो क्या? दिन के हज़ारों, आप एक बंदे हो दिन के मीन्स 3-4 पोस्ट करते हो, ऐसे करोड़ों लोग पोस्ट कर रहे हो, तो कितना सारा डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, समझ रहे हो? उसमें से काम का नॉलेज निकालना, समझ रहे हो, उसको कहते हैं नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। तो पहले ही आप तो बोलोगे फिर ये डेटा माइनिंग और इसमें फ़र्क क्या है? भाई डेटा माइनिंग इसका एक स्टेप है, डेटा माइनिंग क्या, इसका एक स्टेप है, एक बीच का इसका स्टेप है। नॉलेज डिस्कवरी डेटा में डेटा माइनिंग इसका एक स्टेप है। तो चलो देखते हैं इसका डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है। भाई देख लो, ये जो नीचे है ना डेटा बेस, मतलब अलग अलग जगह से डेटा खींचा जाता है, फिर स्टोर करते हैं हम डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारा डेटा एक जगह पर स्टोर होता है, हिस्टोरिकल मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चेक करने के लिए कि काम का डेटा निकालने के लिए, समझ रहे हो क्या? कि यार मेरा सबसे ज़्यादा धंधा कहाँ हुआ, सबसे कम धंधा कहाँ हुआ, मैं और अभी अपना धंधा कैसे इंप्रूव करूँ, ऐसे सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर होता है। और डेटा वेयरहाउस क्या होता है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। फिर वहाँ से डेटा निकलता है और यहाँ से डेटा पे डेटा माइनिंग परफॉर्म होती है। अब डेटा माइनिंग क्या होती है आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हो और मैं आगे बताऊँगा अभी कि डेटा माइनिंग क्या होती है इस प्रोसेस में। फिर पैटर्न्स इवैल्यूएट होती है। पैटर्न्स क्या होता है मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ। पैटर्न्स आप एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस थोड़ी पढ़ते हो, पैटर्न ढूंढते हो ना कि रिपीटेड क्या चीज़ है। उसी तरह से जो मेरे काम का चीज़ है उसकी मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ, जैसे अपने दिमाग में कैसे रिपीटेड चीज़ों का पैटर्न बैठ गया है, उसी तरह से मुझे जो डेटा निकालना है उसकी मैं पैटर्न बिठा दूंगा, फिर उसके रिलेटेड डेटा ढूंढूंगा। तो हो गया पैटर्न इवोल्यूशन। फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब अभी जो डेटा मैंने खोद खतोर के निकाला है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो इसके लिए इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। लास्ट में मुझे मेरा खजाना मिल जाता है इतने सारे डेटा से निकाल के, जिसको कहते हैं नॉलेज। तो भाई मेन पार्ट तो समझ गए कि डेटा बेस से डेटा वेयरहाउस में जा रहा है, फिर डेटा माइनिंग परफॉर्म की जा रही है, फिर उसमें पैटर्न के थ्रू वो ढूंढा जा रहा है और फिर नॉलेज मिल रहा है। तो यार ये क्या चीज़ है? क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इवैल्यूएट, प्रेजेंटेशन। अब ये फ्लैट फाइल्स में जो कह रहा हूँ, फ्लैट फाइल्स क्या होती है, अलग अलग डेटा बेसिस होते हैं तो अलग अलग रिसोर्सिस होती है, तो फ्लैट फाइल एक रिसोर्स है डेटा निकालने की, ठीक है। तो भाई पहले तो ये मेन पार्ट बना लो, ठीक है। फिर अभी पहले डेटा बेस में क्लीनिंग और इंटीग्रेशन होता है। तो डेटा क्लीनिंग मतलब क्या, रिमूव करना डेटा में से नॉइज और इनकन्सिस्टेंट डेटा, वो डेटा जो काम का नहीं है। एग्जाम्पल पार्सिंग ऑफ डेटा, अगर आपने कंपाइलर पढ़ा रहेगा तो पार्सिंग ऑफ डेटा मतलब क्लीनिंग क्यों परफॉर्म किया जाता है, सिंटैक्स एरर को। सिंटैक्स एरर मतलब मेरे को जो काम का डेटा है ही नहीं, समझ रहे हो, और जो डेटा निकाला है वो मीन्स आधा अधूरा है, तो उन चीज़ों को हटाने का। तो एक पार्सर करके एक बंदा होता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है, वो वॉचमैन होता है कि भाई जो काम का डेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल पार्सर डिसाइड वेदर द गिवन स्ट्रिंग ऑफ डेटा इज एक्सेप्टेबल, आएगा चेक करेगा जो बंदा आया है, जो डेटा आया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं विद इन द डेटा स्पेसिफिकेशन। पार्सर को एक स्पेसिफाइड किया रहेगा कि देख ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो वही उनको अंदर लेना, ऐसा ऐसा डेटा आएगा अंदर लेना वरना वटा देना। तो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग ऑफ डेटा एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कि भाई जो स्पेसिफाई किया हुआ है उसके बरोबर है कि नहीं, कोई अनसंड आए तो उसको लेना मत। तो ये काम का कौन करता है, पार्सर करता है डेटा क्लीनिंग। फिर आ जाता है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या, अलग अलग सोर्सेज का डेटा, अब मैंने काम क्लीन तो कर लिया, अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, उनको सबको एक साथ इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए, तो सबको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, उसको कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन। अब आ गया सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, लोग बोलेंगे फिर सिलेक्शन और डेटा माइनिंग। सिलेक्शन का मतलब होता है डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस स्टार आर डिट्राइव फ्रॉम द डेटा बेस। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि यार सिलेक्शन में ही तो पूरा मैंने डेटा माइनिंग कर दिया, जो मेरे को काम का डेटा वो निकाल दिया, नहीं, समझ रहे हो क्या? मेरे को काम का डेटा 1%, तो 100% मतलब 1000% है ना, उसमें से 100% जो मेरे रिलेटेड लग रहा है डेटा उसको निकालूंगा। एग्जैक्ट डेटा तो निकलने नहीं वाला, तो आगे डेटा माइनिंग में होगा। सिलेक्शन मतलब रिलेटेड डेटा, जो मेरे काम की चीज़ है मैं सारी चीज़ें उठा लूँगा, 1000 में से 100% चीज़ें निकाल लूँगा, मतलब 90% चीज़ें तो वहीं निकल गई, तो अब 10% पे मेरे को डेटा माइनिंग। तो डेटा सिलेक्शन मतलब रिलेटेड चीज़ें निकालना।
फिर आ गया चार चीज़ें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, देखो अपन ने क्लीनिंग और इंटीग्रेशन कर दिया, अब अपना डेटा वेयरहाउस में अपना डेटा स्टोर हो गया, सिलेक्शन भी हो गया भाई, डेटा माइनिंग के लिए सिलेक्ट हो गया, अब ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है पता है? अभी भाई मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग लैंग्वेज में डेटा निकाला, अब उसको मेरे को जहाँ पे माइनिंग करनी है, सामने वाले को जो डेटा देना है, समझ रहे हो क्या? सामने वाला अगर कोई स्पेनिश है तो मेरे को जो डेटा मैंने निकाला है ना उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसको डेटा स्पेनिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पर डेटा ट्रांसफॉर्म और कॉन्सिलिडेटेड इंटू फॉर्म, कॉन्सिलिडेटेड मतलब एकजुट लाना, इंटू फॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग, में जो माइनिंग के लिए फॉर्म अपलोडेड है उसके लिए, फॉर बाय परफॉर्मिंग समरी और एग्रीगेशन ऑपरेशन। समरी मतलब सब एक साथ, समरी कैसे होता है आप पता है ना, समराइज करते पूरी स्टोरी, उसी तरह से पूरे डेटा को समरी करो। एग्रीगेट मतलब एक साथ लाना, उसका मतलब एक साथ होता है। फॉर इंस्टेंस मतलब इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया, समरी और एग्रीगेशन एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आ जाता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या मतलब होता है? डेटा माइनिंग का मतलब होता है बहुत सारे डेटा में से अपने काम का डेटा निकालना। तो यहाँ डेटा माइनिंग कैसे यूज़ हो रही है? यहाँ डेटा माइनिंग करने के लिए एन असेंशियल प्रोसेस, डेटा माइनिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे इंटेलिजेंट मेथड अप्लाई करते, बहुत हाई फाई स्मार्ट एक्सपर्ट मेथड अप्लाई करते ताकि एक्सट्रैक्ट कर सके डेटा पैटर्न्स। पैटर्न क्या? पैटर्न यानी जो पैटर्न आप पता है, पैटर्न क्या होती है? पैटर्न होती है अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने दिमाग में क्या पैटर्न हो गई है रिपीटेड क्वेश्चन की, तो वही डेटा पैटर्न निकाल सके, समझ रहे हो? फिर आ गया पैटर्न इवोल्यूशन। पैटर्न इवोल्यूशन मतलब क्या भाई? अभी पैटर्न अपने दिमाग में तो बैठ गई है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये अपने दिमाग में कैसे बैठी? जब अपने को लोगों ने कहा, समझ रहे हो? लोगों ने कहा भाई रिपीटेड पढ़ के जा, रिपीटेड आते। उसी तरह से अभी हमें भी तो कुछ पैटर्न तो ढूंढनी पड़ेगी ना, डेटा आंसर थोड़ी ढूंढूंगा, कुछ पैटर्न ढूंढनी पड़ेगी कि भाई देख इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, तो वो डेटा उठाना। तो यहाँ पैटर्न इवोल्यूशन में असली पैटर्न फाइंड की जाती है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न होती है कि बटर के साथ मिल्क के साथ बटर खरीदा जाएगा या ब्रेड के साथ बटर खरीदा जाएगा, तो ये पैटर्न है कि ब्रेड रिलेटेड टू बटर। तो ये ऐसे कुछ पैटर्न्स होती है, ये एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं है लेकिन ऐसे कुछ पैटर्न्स होती है जिससे वो फाइंड आउट किया जाता है कि हाँ भाई इसके बाद वो है, उसके बाद वो है, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई द ट्रूली इंटरेस्टिंग पैटर्न रिप्रेजेंटिंग नॉलेज बेस। अब ये पैटर्न कहाँ स्टोर होती है? नॉलेज बेस के अंदर, ऑन सम इंटरेस्टिंगनेस मेजर। अभी किस पे मेजर? कोई मेजर पे, कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट पे वो होगी, समझ रहे हो? कि अगर मेरे को सेल्स का डेटा चाहिए तो भाई कितना मेरा पूरा धंधा हुआ, ये एक मेरा पैटर्न हो जाएगी कि कितना सेल्स हुआ है। मुझे फ़ायदा देखना है तो मैं प्रॉफिट देखूंगा, प्रॉफिट के रिलेटेड कहाँ कौन से दुकान पर सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो ये कुछ मेजर्स होंगे कि प्रॉफिट देखो। फिर आ गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब भाई मैंने नॉलेज निकाल लिया मेरा डेटा, अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? तो रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक है, यानी मैं नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट में नहीं दूंगा, मैं ग्राफ में दे सकता हूँ, समझ रहे हो क्या? मैं ड्राइंग में दे सकता हूँ, मैं डिज़ाइन में दे सकता हूँ, मैं अलग अलग फॉर्म में सामने वाले को डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो अपना पाई चार्ट होता है ना, उसमें भी सामने वाले को डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पर विजुअलाइजेशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक आर यूज टू प्रेजेंट द माइंड नॉलेज टू द यूजर। सो दैट्स इट, ये था अपना भाई KDD प्रोसेस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों को, यार उनको जो लास्ट मोमेंट के पे पढ़ते अपनी तरह, समझ रहे हो? ताकि वो भी पास हो जाए। 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आता है मोस्ट ऑफ टाइम, नहीं आया तो यार ऊपर वाले की नसीब। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ भाई, व्हाट्सएप पर शेयर करो अपने ग्रुप्स में, हर जगह। और थैंक यू सो मच लास्ट मिनट ट्यूशन को इतना सपोर्ट करने को। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।